विधानसभा 2018 में आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी, जिसमें समस्त दावेदारों ने अपने नामांकन दाखिल करके रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। फॉर्म जमा के पश्चात भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के लिए कुछ तथ्य चिंताजनक सामने आए हैं, जिसमें शुजालपुर विधानसभा से राजेंद्र राजपूत ने निर्दलीय फॉर्म जमा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इंदर सिंह परमार को टिकट दे दिया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने राजेंद्र राजपूत किस तरह की चुनौतियां खड़ी करते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने रामवीर सिंह सिकरवार को शुजालपुर विधानसभा का टिकट दिया है। ज्ञात है कि टिकट घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामवीर सिंह सिकरवार का पुतला दहन कर प्रत्याशी बदलने की मांग की थी, लेकिन आज फॉर्म भर जाने के पश्चात यह निश्चित हो गया है कि रामवीर सिंह सिकरवार ही शुजालपुर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। आज नामांकन दाखिले पर हमने रामवीर सिंह सिकरवार से पूछा कि उनके कार्यकर्ता उनके प्रत्याशी घोषित होने से नाराज क्यों हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता उन्हें भारी प्रत्याशी मानते हैं, क्योंकि वास्तव में शुजालपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार का खुद वोटर लिस्ट में शुजालपुर में नाम नहीं है, उनका नाम शाजापुर में अंकित है। अब ऐसे में देखना होगा कि रामवीर सिंह सिकरवार अपने आप को वोट डाल सकते हैं या नहीं, और अपने ऊपर भारी प्रत्याशी का दाग किस तरह से मिटा पाएंगे। इस पूरे चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि यह निर्दलीय प्रत्याशी व बाहरी होने का दाग दोनों दलों के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस में ही शुजालपुर विधानसभा में कड़ी टक्कर होना है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है और शाजापुर से बहुत ही पास का ये विधानसभा है। मेरी खुद का मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। हर यहाँ मेरा परिवार है, हर तरह से महीन भाई साहब हैं, दरबार हैं, मंडोई साहब हैं, बंटी भाई हैं, सब मेरे परिवार के लोग हैं और हम सब मिलकर काम करते हैं और आगे भी हम मिलकर काम करेंगे और निश्चित तौर पे पार्टी विजयी होगी और पार्टी विजयी होगी। व्यक्ति ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग हैं, हम सब मिलकर कोई भी किसी तरह का काम होगा, हम सब एक दूसरे की सलाह। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गुन्नौर में एक वाहन से टक्कर के बाद कम से कम 6 लोग मारे गए और 13 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त हुई जब कोहरे के कारण क्षेत्र में दृश्यता बहुत कम थी। बोलेरो में करीब 19 लोग सवार थे और वो अचानक ही वहाँ पे कोहरा होने की वजह से बस से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें करीब 6 लोग की डेथ हो चुकी है और उसके बाद करीब 13 लोग घायल हैं। सरदारपुर विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार रहे तोला राम गमाड ने आज निर्दलीय रूप से विधानसभा चुनाव हेतु अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। वहीं तोला राम गमाड अपने 4 समर्थकों के साथ रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे थे। इसी के चलते उन्होंने रिटर्निंग कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी सत्यनारायण दरो, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एनपी पनिका एवं प्रकाश परिहार को अपना नामांकन फॉर्म निर्दलीय रूप से दाखिल किया। जो विधानसभा में स्थान बनने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रेवाड़ी में गैंग रेप पीड़िता 59 दिन से घर में कैद है और वही परिवार को अब तक कानूनी प्रक्रिया व मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। वहीं आरोपियों के परिजनों की धमकियां भी कम नहीं हो रही हैं। इस दौरान पीड़िता के पिता ने नाहर चौकी पुलिस को शिकायत दी है कि गैंग रेप केस में 5 नवंबर को नानौल कोर्ट में पेशी थी और उसी रात 11:30 बजे आरोपी निशु का पिता राजेश व उसका चचेरा भाई प्रवीण घर के गेट पर पहुंचकर अभद्र शब्द बोलने लगे। कहने लगे कि तुम्हें गवाही देने का नतीजा बताएंगे। 12 सितंबर को कनीना से छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया गया था। इसमें 3 मुख्य आरोपियों व अन्य मददगारों को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता 15 दिन अस्पताल के स्पेशल वार्ड और 28 सितंबर से घर में कैद होकर रह गई थी। जाति के कोठरे की निशानदेही या कोर्ट में बयान देने के लिए ही बाहर निकली थी। इसी दौरान 2 पुलिसकर्मी 24 घंटे घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। इसके बावजूद पहले आरोपी मनीष के पिता ने सरपंच के पति को धमकाया, अब निशु के परिजनों ने पीड़ित परिवार को धमकी दी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब वाराणसी पहुंचे तो उन्हें अपने ही समर्थकों से बचने के लिए अपने निजी कमांडोज का सहारा लेना पड़ा।
दरअसल वाराणसी में उनके फैंस ने उन्हें इस कदर घेर लिया कि निजी कमांडोज को उन्हें वहां से निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां तक कि लोगों को हटाने के लिए मारपीट का सहारा तक लेना पड़ा और इन सब के चलते अखिलेश यादव को भीड़ में से निकलकर अपनी कार में बैठने के सिवा कुछ समझ ही नहीं आया। जबकि सारे समर्थक अपने पसंदीदा राजनेता के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वहां थे। शाजापुर में पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने अपना नामांकन फॉर्म भरा जिसमें हजारों लोग मौजूद रहे। उन्होंने वहां पे बीजेपी पर अच्छे से निशाना साधा है और वहीं भारी मात्रा में लोग आए थे और सबने मिलकर उनका स्वागत किया। वह सभा को संबोधित करते हुए कराड़ा ने लोगों से कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र है। कार्यक्रम का संचालन शहर अध्यक्ष बाबू खान खरारे ने किया, वह आभार आशुतोष शर्मा ने माना। हम मुद्दे ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी का मुद्दा और किसानों के उत्थान के लिए हम लोग सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नौयुवकों को भत्ता देंगे, नौयुवकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे और किसानों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, व्यापारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं और युवकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन इस चुनाव में ऐसा चेहरा बने हुए हैं जिसके चलते सिवनी विधानसभा के अलावा अगर दिनेश राय लखनादौन, केवलारी और बालघाट में दखलअंदाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा की फतेह जरूर होती है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने दिनेश राय से की विशेष चर्चा। देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने हमारे सिवनी के चारों प्रत्याशी जो चयनित किए हैं वो वास्तव में स्वयं इतने सक्षम है और जनता के प्रति उनका लगाव है और जनता भी उनको चाहती है। और तो मैं उम्मीद करता हूँ चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतकर आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह सरकार बनाने जा रही है और जनता भी चाहती है इन्हीं प्रत्याशियों को विजयी बनाए जिससे सिवनी का विकास तीव्र गति से हो सके। लखनादौन की हम बात करें तो चौथे लिस्ट में लखनादौन का नाम आया, कहीं ना कहीं विरोध जरूर रहा कि यहाँ पे जो है बाहर का प्रत्याशी ना विजय हुई के जो लोकल के हैं लखनादौन के वो मैदान में है, क्या उनके सहयोग रहेगा? विजय हुई के हमारे स्थानीय हैं, लखनादौन के रहने वाले हैं, मैं भी लखनादौन मेरी जन्मभूमि है, भले मैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट की सीट से सिवनी का विधायक रहा हूँ और हूँ और आने वाले समय में बनने जा रहा हूँ। तो निश्चित है कि सिवनी के साथ साथ लखनादौन में भी लोगों की बड़ी इच्छा है कि मैं यहाँ पर यहाँ के प्रत्याशी के लिए काम करूं और यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते यहाँ की जनता एक तरफा जनादेश उनको देने जा रही है और वो बड़े सरल स्वभाव के सीधे सज्जन है और सभी कार्यकर्ता उनके कार से बड़ी खुश है और कार्यकर्ताओं बड़ा उत्साह है। निश्चित है आने वाले समय में सिवनी विधानसभा भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। शिवसेना ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 22 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। अब तक 87 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं उनमें छिंदवाड़ा से आशीष पांड्या, अमरवाड़ा से सुनील आहके, चौरई से अश्विनी रघुवंशी, सोनसर से रविकांत कापसे, परासिया से गौराबाई सिंह, जुन्नार देव से अनिल उइके, विजावर से लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, महाराजपुर से उमाशंकर कुशवाहा है। साथ ही इंदौर 3 से भेरूलाल चौहान, सावेर से निर्मला परमार, दिमनी से संतोष सिंह तोमर, जोरा से अवधेश त्यागी, दतिया से महंत रामदूत दास, गुना से प्रमोद पंत पुरवैया, शुजालपुर से प्रीतम दास, काला पीपल से सुनील पटेल, सोनकच्छ से रमेश सिसोदिया, जबलपुर कैंट कन्हैया तिवारी, उत्तर प्रदेश जबलपुर से अमरेश पांड्या, बरगी से विमलावती पटेल, राघवगढ़ से विजय पटेल, खिलचीपुर से नयन सिंह चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। जिस प्रकार से एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के होते हैं और खाने के अलग होते हैं, उसी प्रकार से वर्तमान जो सरकार है वो 15 सालों से जो दिखावा करती आ रही है, राम 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 करके रावण नीति पे चलने वाले लोग हैं। आज हर जगह किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, गरीब मजदूर परेशान है और ये बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, जबकि एक रिकॉर्ड है इन 15 सालों में जितने केस बने हैं, जितने बलात्कार हुए हैं, जितने रेप बने हैं, तो ये कहाँ हैं इनके दावे? और ये कहते हैं कि हम सभी को लेके चलते हैं, आज भी भेदभाव होता है, आज भी गरीबों के साथ न्याय नहीं होता, आज भी जाति पाति के नाम पे ये वोट लेते हैं, आज ये हिंसा भड़क रही है, इन्हें दंगे फसाद हो रहे हैं, हर गांव में कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है और आज भी जो गरीब उसके पास झोपड़ी तक नहीं है।
तो ये जो ये कहते हैं वो उन्होंने करके नहीं दिखाया। जनता सत्य को चुनेगी और अब जनता के साथ में न्याय होगा, ये मेरा विश्वास। दतिया में प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज नामांकन के आखिरी दिन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने भंडारे से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्रीमती रजनी प्रजापति का नामांकन फॉर्म भरवाया। बताया जा रहा है कि वे आज ही सेवड़ा आए। वहीं भाजपा प्रत्याशी राधेलाल बघेल ने भी अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी मनोहर ऊंटवाल ने आगर विधानसभा से नामांकन फॉर्म भरा। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े पर निशाना साधते हुए कहा कि विपिन वानखेड़े को भी वापस भेज दूंगा इंदौर। मेरे सामने अभी तक कोई इंदौरी नहीं टिका है, चाहे वह फिर सज्जन वर्मा हो, प्रेमचंद गुड्डू हो, मधु गहलोत हो या फिर कोई और। मैंने इन सभी को वापस इंदौर भेज दिया है। अब विपिन वानखेड़े को भी वापस भेज दूंगा। देखिए विपिन वानखेड़े जी को बता देना कि उठवाल जी की आदत थोड़ी सी खराब है। वो कोई भी इंदौरी को देखना पसंद नहीं करते, हमेशा उनको वापस इंदौर की ओर रवाना करते, चाहे प्रेमचंद गुड्डू हो, चाहे सज्जन वर्मा हो, चाहे मधु गहलोत हो, चाहे वो अपने प्रहलाद जो मेरे आलोटू में मेरे सामने लड़े थे, देवास में मेरे सामने सज्जन वर्मा लड़े थे, ये भी वापस इंदौर की ओर जाएंगे। विपिन वानखेड़े नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से चर्चा की और ऊंटवाला द्वारा इंदौरियों को वापस इंदौर भेजने के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मनोहर ऊंटवाल जी को तो ये मालूम भी नहीं है कि 3 नवंबर से ही ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। वो अपना आपा खो बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उन्हें सहयोग करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में खुद में मनोहर ऊंटवाल जी का इतना विरोध है, वो उससे ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उल्टे सीधे बयान दे सकते हैं। जैसे एक ऊँट 2-3 महीने का पानी अपने पेट में स्टॉक करके रख लेता है, वैसे ऊंटवाल जी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और भ्रष्टाचार करके पैसों का स्टॉक अपने पेट में भर कर रख लेते हैं। मैं मनोहर ऊंटवाल जी से पूछना चाहता हूं कि मनोहर ऊंटवाल जी पिछले 5 साल से कहां थे, आगर के लिए उन्होंने क्या किया, वो जब भी आगर आए तो रेस्ट हाउस से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, आगर की जनता उनसे इतना नाराज़ क्यों है, पिछले 5 साल में वो कितने गाँव में गए, कितने गाँव की समस्याओं को उन्होंने ख़त्म किया और बतौर विधायक और बतौर सांसद उनकी उपलब्धियां क्या क्या है।